ऑडियो मैनेजर वोल्ट ऐप का पासवर्ड अगर भूल जाए तो कैसे पता करें? नो जीमेल आईडी, नो सिक्योरिटी क्वेश्चन। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल नया तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से दोस्तों आप अपने इस ऑडियो मैनेजर वोल्ट ऐप का पासवर्ड को रिसेट करेंगे या फिर जो आपके फोटो और वीडियो इस ऑडियो मैनेजर वोल्ट ऐप के अंदर है उन्हें आप निकालेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे तो आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी होगी, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो दोस्तों आप कोई ना कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो से मिस कर देंगे। आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों अब मैं आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाऊंगा आपको किस तरीके से इस ऑडियो मैनेजर वोल्ट ऐप में जो आपका फोटो वीडियो है उन्हें निकालेंगे बिना पासवर्ड डाले। दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा आप किस तरीके से इस ऑडियो मैनेजर वोल्ट ऐप में जो आपने पासवर्ड डाला दोस्तों अगर वो पासवर्ड भूल गए तो फिर आप इसमें से कैसे फोटो वीडियो अपने निकालेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ऑडियो मैनेजर वोल्ट ऐप का मैं पासवर्ड भूल चुका हूं दोस्तों। मैं इसे यहां से ओपन कर दिखाऊंगा आपको, पहले एक बार मैं यहां से इसे ओपन करता हूं। ओपन करने दोस्तों हमसे पासवर्ड मांगता है और पासवर्ड मैं इसका यहां से भूल चुका हूं और फॉरगेट पे क्लिक करता हूं दोस्तों, फिर भी हमारा पासवर्ड रिसेट नहीं हो रहा। तो फिर दोस्तों हम इसमें जो हमारा फोटो वीडियो है जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट है फिर हम उसे कैसे निकालेंगे, उसके लिए करना क्या है दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर जाने के बाद दोस्तों आपको ऊपर सर्च करना है फाइल मैनेजर फ्री एंड इजिली। दोस्तों ये ऐप आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना होगा। दोस्तों मैं आपको इस ऐप के बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 500 मिलियन प्लस इस ऐप के डाउनलोड है और दोस्तों 4.7 इसकी रीडिंग है। दोस्तों यही ऐप आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना होगा। तो दोस्तों मैं इस ऐप को यहाँ से अपने मोबाइल फोन में कर लेता हूँ ओपन। तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। दोस्तों आप एक मिनट रुक जाइए, पहले आप इस वीडियो पर ध्यान से देखें, फिर बाद में दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन में ट्राई करें, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर आपके सामने देखो दोस्तों, अगर आप यहां देखेंगे तो मैंने इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में ओपन कर लिया है दोस्तों। अब हमें करना क्या है, यहां ऊपर 3 बार पे क्लिक करना है, नीचे सेटिंग का ऑप्शन है दोस्तों, सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है सो हाइड एंड फाइल, तो आपको यहां से इसे ऑन करना होगा। अगर आपके मोबाइल फोन में ऑफ है तो इसे ऑन कर दें। तो मैंने दोस्तों पहले इसे ऑन करके रखा है, तो मैं यहां से बैक आता हूं। बैक आने के बाद दोस्तों अब हमें जाना है अपने मोबाइल फोन की इंटरनल स्टोरेज में, तो हम यहां पर जाएंगे और यहां पर जाने के बाद दोस्तों अब आपको यहां पर ध्यान से देखना है। दोस्तों अब आपको यहां पर बहुत ध्यान से देखना है, आपको नीचे एक फोल्डर मिलेगा प्रोग्राम डाटा, ये वाला फोल्डर आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा एंड्रॉइड का फोल्डर, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको थोड़ा नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज, तो आपको इस लैंग्वेज वाले फोल्डर पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप थोड़ा आपको नीचे आना है, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों .fr, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको एक एक फोल्डर का चेक करना है किसमें आपका फोटो है किसमें आपकी वीडियो है। मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ लिखा हुआ दोस्तों न्यू फोल्डर 10 आइटम, तो हमारे सामने दोस्तों इस तरह कुछ फाइल आई है। तो इन फाइल को मेरे ख्याल से दोस्तों ये हमारे फोटो है और इन्हें हमें ठीक करना होगा। और दोस्तों वैसे तो दोस्तों हमारे अगर वीडियो होगी दोस्तों वीडियो तो हमारी कंप्लीट ठीक हो जाएगी, उन्हें हम मूव करना होगा सिर्फ हमें गैलरी में। दोस्तों आप देख सकते हैं 2 वीडियो मैंने उसमें डाल के रखी थी, ये हमारी प्ले हो रही है यहाँ से, तो हम इन्हें यहाँ से मूव कर लेंगे पहले अपने मोबाइल फोन में, यानी अपने मोबाइल फोन में किसी और फोल्डर में इन सब फाइल को हमें मूव करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम क्लिक करके रखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर हम सारे सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों एक साथ, तो यहाँ सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर सिलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर दोस्तों आप एक एक करके भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सारे एक साथ सिलेक्ट कर लिए और मैं यहाँ दोस्तों मूव पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इंटरनेट स्टोरेज में आता हूँ दोस्तों, इंटरनेट स्टोरेज में आने के बाद दोस्तों तो मैं अपने डाउनलोड वाले फोल्डर पर जाता हूँ। दोस्तों इंटरनेट स्टोरेज में आने के बाद मैं अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में जाता हूँ। नीचे आप देख सकते हैं डाउनलोड का फोल्डर है, कहाँ है हमारा डाउनलोड का फोल्डर दोस्तों, ये रहा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद दोस्तों हमारी जो फाइल है जो हमारी वीडियो वो इस फोल्डर में आगे सेव हो चुकी है। अब दोस्तों हमें इन फाइल को ठीक करना होगा। दोस्तों अगर आप प्ले करेंगे कौन सा ही फोटो आपका यहाँ से प्ले नहीं होगा, यानी कौन सा ही फोटो आपका यहाँ से चलेगा नहीं, यहाँ पर सब आपकी फाइल इनक्रिप्ट हुई पड़ी है। और यहाँ पर अगर आप वीडियो प्ले करें वीडियो आपकी चल जाएगी, अगर वीडियो आपकी नहीं चले तो वीडियो आप थोड़ी सी और देखें, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा आगे। तो पहले बात करते हैं दोस्तों हमारे फोटो की, फोटो हमारे प्ले नहीं हो रहा तो हमें फोटो को ठीक करना होगा। तो हमें यहाँ पर होल्ड करके रखना है इस तरीके से और नीचे मोर का ऑप्शन आपको उस पर क्लिक करना है और रीनेम पे जाना है। रीनेम पे जाने के बाद दोस्तों आपको सारा कट कर देना है। कट करने के बाद आपको शुरू में कुछ भी नाम डाल देना है और हर बार दोस्तों आपको अलग नाम डालना है और उसका अगर दोस्तों डॉट लगा देना है आपको और फिर लिखना है दोस्तों अगर दोस्तों आपका फोटो है तो आपको लिखना है यहाँ पर PNG और यहाँ पर ओके कर देना है और यहाँ भी ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो फोटो है वो ठीक हो चुका है। और दोस्तों बात करते हैं हम और फोटो की, और फोटो हम कैसे करेंगे दोस्तों, उसके भी सेम प्रोसेस ऐसी है। तो आपको होल्ड करके रखना है इस तरीके से और यहाँ नीचे मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस, आपको यहाँ तीसरे नंबर रीनेम पे क्लिक करना है और ये सारी फाइल आपको काट देनी इस तरीके से, इन सारे नंबर काट देने आपको जो लिखा हुआ है यहाँ पर सब कट कर देना है। और यहाँ पर शुरू में आपको कुछ भी नाम डालना है, उसका अगर डॉट लगाना है फिर दोस्तों PNG आपको एक बात जाना नहीं, कहीं भी आपको स्पेस नहीं देना, स्पेस आपको कहीं नहीं देना, आपको शुरू में कुछ भी नाम डाल देना है फिर उसका अगर डॉट फिर PNG लिख देना है फिर ओके कर देना है। फिर यहाँ भी ओके कर देंगे दोस्तों हम। ओके करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ये भी फोटो खुल चुका है, यानी ओपन हो चुका है। और दोस्तों इसी तरीके से हम सारे फोटो अपने एक एक करके ठीक करेंगे।
तो हम मोर पे जाएंगे, रीनेम पे जाएंगे, यहाँ पर कट कर देंगे सारे जो लिखा हुआ हमारा, शुरू में कुछ भी नाम डाल देंगे, डॉट लगाएंगे और PNG इस तरीके से हम इसे भी कर देंगे ठीक। तो ये फोटो भी दोस्तों हमारा ठीक हो चुका है। और दोस्तों अगर बात करते हैं अपनी वीडियो की, अगर दोस्तों हमारी वीडियो है तो उसे हम कैसे करेंगे दोस्तों, उसकी भी सेम प्रोसेस बिल्कुल ऐसी है। आपको क्या करना है, इस तरीके से होल्ड करके रखना है, होल्ड करने के बाद मोर पे जाना है, रीनेम पे जाना है, रीनेम पे जाने के बाद दोस्तों आपको सारा कट कर देना है, शुरू में आपको कुछ भी नाम डाल देना है, फिर डॉट लगाना है, फिर दोस्तों आपको लिखना है MP4 आपको ये लिख के दोस्तों यहाँ पर ओके कर देना है। तो दोस्तों आपकी जो वीडियो होगी वो भी प्ले हो जाएगी दोस्तों, जो वीडियो आपकी वायरस बनी हुई थी दोस्तों वो भी ठीक हो जाएगी। फिर आपको ओके कर देना है, मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि दोस्तों मेरी ये इमेज थी इसलिए मैं यहाँ नहीं कर सकता। दोस्तों वैसे तो हमारी वीडियो इस फोल्डर में अगर सेव रहती है जो कि वायरस नहीं बनती, बस बाहर हमारी गैलरी में अगर सो नहीं होती, बस वो रहती उस फोल्डर के अंदर, या फिर दोस्तों रहती है हमारी ऑडियो मेजर के अंदर, तो बाकी किसी फोल्डर में वो वीडियो नहीं मिलेगी। वीडियो हमें सिर्फ उसी फोल्डर में मिलेगी प्रोग्राम डाटा में, और वहीं से जाकर दोस्तों हम उस वीडियो को प्ले भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों वहाँ पर भी वो वीडियो प्ले ना हो तो आपको बस सिंपल दोस्तों जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है बस आपको वही करना है, और फिर आप अपने वीडियो को भी प्ले कर लेंगे दोस्तों। फिर इस तरीके से आप अपने इस फोटो वीडियो को ठीक कर सकते हैं। और जो आपने अपना ऑडियो मेजर का पासवर्ड भूल गए दोस्तों, उस पासवर्ड को रिसेट किए बिना आप अपने फोटो वीडियो को अपने मोबाइल में निकाल सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें सबके पास। और दोस्तों अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के बाद आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे अगली नई वीडियो में। जय हिंद।